वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम वोकैब देखने वाले हैं और ये वोकैब की सीरीज का वीडियो नंबर 3 होगा। मैं इससे पहले दो वीडियो कवर कर चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ए प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ओके फ्रेंड, वैसे रिलीजन तो इनका सबको पता होगा, क्रिश्चियन रिलीजन होगा, तो ये वर्ड गलत होना चाहिए। रिलीजन तो सबका सेम ही है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिनागॉग। ठीक है, मैं आपको रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ। फ्रेंड, जो पहला ऑप्शन है कैथेड्रल, कैथेड्रल होता है एक चर्च का सबसे बड़ा पार्ट जो बिशप के अंडर होता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है चैपील, चैपील किसी चर्च के अंदर का एक स्मॉल केबिन होता है, छोटा सा, जहाँ पे पूजा पाठ की जा सकती है, छोटा सा पोर्शन मतलब। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डिमागॉग, डिमागॉग होता है भड़काऊ बयान देने वाले, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो भड़काऊ बयान दे दे देते हैं और लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं लोगों में, तो वो है डिमागॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। स्टोइक, ये पहले भी कुछ वर्ड आ चुका है। ठीक है, मैं आपको रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ। एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है साधु संत प्रकार के आदमी जो सांसारिक मोहों से दूर रहते हैं। ठीक है, इसोटरिक, जो हमारा अगला वर्ड है इसोटरिक, इसोटरिक वो लोग होते हैं मतलब जो मतलब एसेटिक प्रकार के लोग होते हैं, मगर ये उतने ज़्यादा मोहों से दूर नहीं जाते, ये अपने सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं ये। ठीक है, ना ज़्यादा प्लेजर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना ज़्यादा कुछ, मगर ज़्यादातर इनके पीछे जो कारण होता है इसोटेरिसिज्म के बीच में, वो होता है रिलीजन इनका। ठीक है, जबकि एसेटिक में ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पीछे रिलीजियस पर्पस हो, मगर इसोटेरिसिज्म जब भी किसी व्यक्ति के अंदर आएगा तो उसके पीछे रिलीजियस पर्पस ज़रूर होगा। अगला ऑप्शन जो है स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है सन की। ठीक है, ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स। ये फ्रेंड्स होता है थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन को बोलते हैं थियोलॉजी। जिसके रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं, तो शायद आप लोगों को मालूम ही होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो वर्ड्स मेरे को लगते हैं कि हाँ थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको उनका मतलब बता देता हूँ। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है डाइसेक्शन ऑफ अ बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, इसके लिए वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ऑटोप्सी। जो पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी को ही बोलते हैं, पोस्टमार्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि डेथ का कॉज पता लगाते हैं, लीवर का चेकअप होता है, किडनीज का होता है। ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो देखा है बायोप्सी। बायोप्सी हम तब करते जब हमें कैंसर का टेस्ट करना हो, और सर्जरी आपको मालिकों को काटने फाटने को सर्जरी बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और अ जॉब इस और अ सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ड यूज होता है नोविस। जो किसी काम में नया होता है, नव सीखा होता है, उसको हम नोविस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आप लोगों को पता ना हो, मैं आपको वो बता देता हूँ। चैपलिन जो होता है वो पादरी को कहते हैं। जो हमारा मेसन है, मेसन वो होता है मिस्त्री, जो घर वर बनाते हैं ना मिस्त्री, उसको मेसन बोलते हैं। जो हमारा वर्ड है आर्टिसन, आर्टिसन होता है स्किल्ड वर्कर, जो किसी वर्क में कार्य को चलो तो वो आर्टिसन होते हैं। अगला है वन हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के स्कूल से दूर रहने वाले को ट्रॉन्ट बोलते हैं। ट्रॉन्ट, जो बिना परमिशन के मैडम की स्कूल से भाग जाते हैं उनको ट्रॉन्ट बोलते हैं। जो हमारा रिमेनिंग वर्ड्स है, जो पहला वर्ड दे रखा है
पीडेंट पीडेंट होता है, जो सूक्ष्म छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत डिटेल में उन उसके बारे में ध्यान रखते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। स्पेशली जो छोटी छोटी बातें ना, वो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, तो वो पीडेंट होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान देते हैं। ओके, अगला वर्ड है सप्लिकेंट। सप्लिकेंट का मतलब होता है पूछने वाले। जब भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है भगवान से या किसी भी चीज़ से, तो वो सप्लिकेंट होता है। अगला वर्ड है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है ये जो भिक्षु होते हैं ना, भिक्षु जो दर दर जाके भीख मांगते हैं, जैसे आपके आपने पुराने फिल्म में देखा होगा कि बाबा बाबा गेट से गेट टू गेट मूव करते थे और बोलते थे भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे ही, तो ये उन्हीं प्रकार के लोगों को मेंडिकेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहे द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप। फ्रेंड, जब भी हम किसी पूरे ग्रुप को मारने काटने की बात करेंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जीनोसाइड। ठीक है, पूरे जीन पूल को ख़त्म कर देना जीनोसाइड कहता है। यार, हम जीन पूल क्या होता है, किसी भी स्पीशीज़ के पूरे कलेक्शन को जीन पूल बोलते हैं, तो उस और ये भी जीन पूल की बात हो रही, तो जीनोसाइड आ जाएगा। पेट्रीसाइड हम बोलते हैं पेरेंट्स को, किसी भी एक पेरेंट को किल कर देना। मैट्रिसाइड होता है अपनी मदर का, मदर को मार देना। जो हमारा अगला वर्ड है पेरिसाइड, पेरिसाइड होता है फादर को किल कर देना। अगर हमें ये पता ना हो कि माँ को मारा या फादर को मारा, तो उस केस में हम पेट्रिसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मगर अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा, जीनोसाइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब अगले वर्ड्स को देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए गवर्नमेंट इन विच ऑल द रिलीजन्स आर ऑनर्ड। जैसे हमारा भारत का जो गवर्नमेंट है, उसमें सभी जातियों को बराबर बराबर माना गया, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर। वैसे आजकल सेक्युलर रहा नहीं है, आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है। ठीक है, और बाकी तो आप अच्छे प्रकार से वाकिफ़ ही होंगे। चलो मैं रिमेनिंग वर्ड्स को बता देता हूँ, क्योंकि एक आधा वर्ड इसमें ऐसा है जो शायद आप लोगों को पता ना हो। पहला वर्ड दे रखा है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। उनके भी उनका ये बिलीव होता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर करें बिना भेदभाव के। अगला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में, सोशलिस्टिक में क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि देश के सभी व्यक्तियों का जो दर्जा होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो बड़े जो पैसे वाले होते हैं ना, उनका ही बोलबाला होता है। जैसे भारत में अंबानी वंबानी वो बहुत बोलबाला है ना, उसी तरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। जहाँ पे सरकारी दस्तावेज सेव किए जाते हैं, उससे कहते हैं आर्काइव। ठीक है, म्यूजियम आप जानते ही हैं, शेल्फ भी आप लोगों को पता होगा। सेलर होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ सामान को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं ना, जैसे कि टांड वांड होती है, सामान को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं, उसको सेलर बोलते हैं। अलमारी टाइप की हम कह सकते हैं, सामान को रखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड ए वन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, इसको कहते हैं फ्रेंड्स कॉन्क्यूबाइनेज। कॉन्क्यूबाइनेज कहते हैं इसको। रिमेनिंग वर्ड्स इजी हैं, आपको पता ही होंगे। नहीं, शायद इसमें आपको एक वर्ड नहीं पता हो, ये इक्विपेज का मैं बता देता हूँ। इक्विपेज फ्रेंड्स होता है मिलिट्री विलिट्री को उनके, मिलिट्री को हम जो वो सामान सप्लाई करते हैं ना, वो गन बंदूक बंदूक, उस सप्लीमेंट्री उस सप्लाई को हम इक्विपेज कहते हैं। ठीक है, और ये जो लीनिएज है, लीनिएज होता है फैमिली की ट्री, एक वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो लीनिएज होता है। एंसेस्ट्री भी कह सकते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन, टू मच ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी या फॉर्मेलिटी, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेड टेपिज्म।
ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत सारी लाल फीताशाही होती है। हम इसके रिमेनिंग वर्ड देख लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा। हाँ, इसमें शायद नेपोटिज्म एक वर्ड है, शायद आपको इसका मतलब ना पता हो। नेपोटिज्म मतलब होता है कि आप किसी भी काम में या किसी भी सिस्टम में अपने रिलेटिव्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नेपोटिज्म कहलाता है। जैसे कि कोई ऊंची पोस्ट में है तो वो अपनी पोस्ट का यूज़ करके अपने भाई भतीजे को लगवा देगा काम में, तो वो नेपोटिज्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बाकी वर्ड इसके इजी ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। फ्रेंड, इसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रॉट, मगर ड्रॉट में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेलिंग है DROUGHT। जहाँ पे ओ है वो वाला ड्रॉट हम सूखे मौसम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ए वाला जो ड्रॉट होता है वो एक गेम होता है। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ तैयार करना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर डिजिट लगा के शहीद भी हो सकते हैं, तो मगर आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी इसका आंसर ड्रॉट होगा, जिसकी स्पेलिंग DROUGHT है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस ली लुक दैट इज लस्टफुल। फ्रेंड, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है लियर। सॉरी। ठीक है, जो हमारा अगला वर्ड है लोर। लोर का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होना। अगला जो वर्ड है हमारा लार्क। लार्क का मतलब होता है अपनी खुशी के लिए हम जो कार्य करते हैं मौज मस्ती के लिए, उसको हम लार्क बोलते हैं। और ये जो हमारा लास्ट वर्ड है लिटोरल, ये एक ऐसा स्थान होता है जो समुद्र के किनारे के पास हो या किनारों के पास हो, कोस्ट में हो, उसको लिटोरल कहते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है ए जॉक्यूलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड वैग। ठीक है, जो हमारा अदर वर्ड्स उनको देख लेते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे वर्ड जैसे जो शायद आप लोगों ने सुने ही ना हो। जो हमारा पहला वर्ड है वाइल। वाइल एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि लोगों से पैसा लूटा जा सके, कि उनको धोखा दिया जा सके। अगला वर्ड है योकल। योकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धर्म में काफ़ी पीछे होता है या पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पीछे होता है, मतलब कम इंटेलिजेंट होता है। अगला वर्ड है एयॉन। एयॉन का मतलब होता है समय का बंटवारा, डिवीजन ऑफ टाइम, बड़ा पार्ट उसका एयॉन के लिए एयॉन कहलाता है वो। जो हमारा अगला वर्ड है डीप इन थॉट, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेंसिव, मतलब बहुत ही चिंतामग्न होना। जैसे आजकल एसएससी के एग्ज़ाम के ऊपर वो चल रहा है ना कि हम पेपर हो सकता है कैंसिल हो जाए मेंस वाला, तो सभी स्टूडेंट बहुत ही पेंसिव मूड में हैं, बहुत भयंकर सोच में डूबे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेंसिव। जो हमारे इसके अगले वर्ड के बारे में वो भी देख लेते हैं। मेडिटेशन आपको पता ही होगा, इजी वर्ड है। पेस्की शायद आप लोगों को ना पता हो, मैं बता देता हूँ। पेस्की होता है गुस्सा दिलाने वाला, परेशान करने वाला। ठीक है, जो हमारा लास्ट वर्ड है परलोयन। परलोयन का मतलब होता है चुराना, कुछ चीज़ चुरा लेना या बिना आज्ञा के कुछ चीज़ मांग लेना या ले लेना, उसको हम परलोयन कहते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, क्या क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। इसके लिए फ्रेंड्स हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी है, आप बिल्कुल एक वर्ड दे रखा है इम्प्यूनिटी। हम इसके लिए वर्ड इम्प्यूनिटी यूज़ करेंगे। मैं आपको रिमेनिंग वर्ड्स बता देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो टिपिकल हैं। जो हमारा पहला वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, है ना, गंदा व्यवहार करने वाले। जो हमारा अगला वर्ड है इन एग्जोरेबल। इन एग्जोरेबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके। ठीक है, जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड दे रखा है इम्परट्यूरेबल। इम्परट्यूरेबल फ्रेंड्स ऐसे लोग होते हैं जिनको जो घबराते नहीं है, कठोर कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं है, अपना आपा नहीं खोते,
उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्परट्यूरेबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, अपनी तबीयत को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहना। फ्रेंड ये एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, करोड़ों बार रिपीट हो चुका, कि कितनी बार तो मैं ही कर चुका हूँ पेपर में। इसका आंसर है हाइपोकॉन्ड्रिया। मैं आपको रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ। कुछ लोगों को ऑप्शन नंबर टू भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही आसपास के वर्ड्स हैं। मेलाइज का मतलब होता है ऐसी फीलिंग आना कि हम बीमार हैं। डिसअफेक्टेड का मतलब होता है मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जो हमारा लास्ट वर्ड है मेलिंजर, मेलिंजर और मेलाइज आपस के सिनोनिम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि मेलिंजर भी वही होते हैं जिनको लगता है कि हम बीमार हैं, मगर एक हल्का सा फ़र्क है मेलिंजर और मेलाइज में। मैं बता देता हूँ, जो मेलिंजर होता है ना, मेलिंजर क्या करते हैं कि काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करते हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है, जबकि मेलाइस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगला देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस। इसके लिए फ्रेंड्स हम वर्ड यूज करते हैं आइडल्ट्री, ऑप्शन नंबर थ्री। एथीज्म होता है भगवान पे ना विश्वास करना, थीज्म होता है भगवान पे विश्वास करना, आइकोनो क्लैज्म होता है लोगों के विचारों को ठेस पहुंचाना। जैसे कुछ लोग भगवान के बारे में मानते हैं, मतलब भगवान या फिर किसी भी सिद्ध आत्मा के बारे में वो लोग मानते हैं, तो उसके बारे में कुछ अपशब्द कहना आइकोनोक्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड हम कह रहा है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, कुछ ऐसी चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और जहरीली हो। फ्रेंड्स ऐसे, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला। रिमेनिंग वर्ड देख लेते हैं। ट्रैजिक आपको पता ही होगा, मतलब गंभीर, गंदा, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मिला हो वो ट्रैजिक होता है। ट्रिवियल होता है लेस इम्पॉर्टेंट। और फ्रेंड जो हमारा अगला वर्ड है टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त, जो एक्टिव नहीं हो। ओके, द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में करोड़ों बार रिपीट हो चुका है। सभी बीमारियों की दवा, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैनाशिया, ठीक है। जो हमारा पहला वर्ड है एमनीजिया, एमनीजिया बीमारी होती है, जैसे गजनी फिल्म में आमिर खान को थी भूल जाने की, मगर उनको थोड़ी भयंकर ही एमनीजिया थी कि उनको 15 मिनट में सब कुछ भूल जाते थे वो। एमनीजिया में क्या होता है, हमारा हमें याद नहीं रहता, ठीक है। और अगला वर्ड है इसका क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंशिया वेल एजुकेटेड पर्सन्स के लिए हम यूज़ की करते हैं। और फ्रेंड पैरासोल होता है बड़ी रंग बिरंगी छतरी। ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड से नफरत करने वाले। फ्रेंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, मैं एक बार हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। फ्रेंड हेट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिस, और मैनकाइंड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंथ्रोप। तो वर्ड बन गया मिस एंथ्रोप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिसोगाइनिस्ट, मिस मतलब हेट, गाइनिस्ट मतलब फीमेल, मिसोगाइनिस्ट फीमेल से नफरत करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट, अभी हमने देखा एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, फिल का मतलब होता है लव करना, यानी कि मानव जाति से लव करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। मिस मतलब अगेन से हेट, और गेमिस्ट मतलब शादी, शादी से नफरत करने वाले मिसो गेमिस्ट होते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इररेसिस्टिबल कार्विंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक एंड दिस इज नोन एज डिप्सोमेनिया। इस बीमारी में क्या होती है, इंसान को दारू पीने की बहुत इच्छा होती है, उसका मन का तरल रहता है कि मैं दारू पीता रहूं पीता रहूं पीता रहूं, वो होता है डिप्सोमेनियाक। ऐसे लोग होते हैं डिप्सोमेनियाक, यानी कि ऑप्शन नंबर टू। जो रिमेनिंग वर्ड है वो क्या कहते हैं, पहला है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया भी एक पागलपन होता है, उसमें हम क्या होता है इंसान अपने बारे में बहुत बहुत सोचता है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ, अपने अपनी तारीफ खुद ही करना, वो खुद ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं मेगलोमेनियाक।
क्लेप्टोमेनिया में लोगों को चुराने की बीमारी लग जाती है, उनका मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ चुराता रहूं। पाइरोमेनिया में क्या होता है, लोगों को आग लगाने की बीमारी लग जाती है, उनका मन करता है कि हम कुछ ना कुछ जलाते ही रहें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई, काफी कुछ सेटलमेंट देखना पड़ता है यार। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वन हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल और पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मूलभूत सिद्धांत और अपनी पार्टी को छोड़ देता है। इसके लिए फ्रेंड हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको वो है रेनेगेड। रेनेगेड ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स कुछ ऐसा है जो, हाँ, एक आधे वर्ड हैं जो शायद आप लोगों को पता ना, मैं बता देता हूँ। जो पहला वर्ड रखा है अपोजल, अपोजल ऐसा व्यक्ति होता है जो सोचता है कि उसका कोई आइडिया होगा और वो ये चाहता है कि लोग इस पे विश्वास करें और उसको ट्राई करके देखें, यानी किसी भी एक नीति के ऊपर वो चाहता है कि सभी विश्वास करें। ठीक है, जो हमारा अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोसेलाइट। जो हमारा अगला वर्ड है प्रोसेलाइट, इसका मतलब होता है कि जैसे लोग अपना धर्म को कन्वर्जन करते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग पहले मुस्लिम थे वो हिंदू बन जाते हैं, या क्रिश्चियन थे मुस्लिम, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है हिंदू को मुस्लिम बना देते हैं, तो इस धर्म के कन्वर्जन को प्रोसेलाइट कहते हैं। जो लास्ट वर्ड है क्रिटिक, क्रिटिक होता है निंदा करने वाले या गलतियां निकालने वाले। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस। इंटरमीडिएटरी, ये तो सभी को पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। न्यूट्रल मतलब बीच का जज, मतलब सुलह करने वाला, रिजल्ट सुनाने वाला, कॉन्वाइजर होता है कलापार की। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे द आर्ट ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, नार्सिसिज्म कहलाता है फ्रेंड्स, नार्सिसिज्म। और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो सारे बीमारियां हैं, पैरानोइया भी पागलपन होता है, न्यूरोसिस भी पागलपन होता है, और साइकोसिस भी पागलपन होता है। बस पागलपन की अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, ओके, जो हमारा अगला वर्ड है मतलब अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है टू टेक बैक, विदड्रॉ और रेनाउंस। फ्रेंड इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिकेंट, ऑप्शन नंबर 4। रिपेंट मतलब किसी गलती की वजह से पश्चाताप करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मुकर जाना, और रिट्रेस का मतलब होता है हम जिस रास्ते से कहीं गए हों ठीक उसी पाथ में वापस आ जाना, रिट्रेस कहलाता है। ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों के रहने के लिए घर को हम हच बोलते हैं। जैसे वो हच का कुत्ता था ना, उसके पीछे एक छोटा सा घर बना रहता था, तो वो पेन होता है, यानी कि उसके लिए रहने का घर होता है हच। और ये सारे के सारे घर ही दे रखे हैं, केज यानी चिड़िया का रहने का पिंजरा होता है, डेन यानी कि शेर की मांद होती है, लेयर कुत्तों का घर होता है, या हम इसको डेन का सिनोनिम भी कह सकते हैं। कई बुक्स में इन दोनों को सेम ही दे रखा है, लेयर और डेन एक ही बात है वैसे। ये सब के सब जानवरों के घर ही हैं, मगर अभी यहाँ पे स्पेशली छोटे जानवरों की बात करी गई थी, उसके लिए हम हच यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। मोर देन वन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉली। इसमें काफ़ी सारे आपको नए वर्ड अब यहाँ पे हो रही है हस्बैंड की बात। फ्रेंड हस्बैंड के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एंड्री, तो वर्ड बन जाएगा पॉली एंड्री। अगर हम मोर देन वन वाइफ की बात करते तो पॉली गाइनी आता, पॉली गाइनी। तो ये जो लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये कब आता, जब मोर देन वन वाइफ की बात होती, मगर क्योंकि भी हस्बैंड की बात हो रही तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। पॉलीगैमी का मतलब है बहुत सारी शादी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट एंड
फ्लैश, जो घास फूस भी खा लेते हैं और मीट मछली भी खा लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। कुछ भी खा लेना। रिमेनिंग वर्ड देख लेते हैं। ऑप्टिमिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी घटना का पॉजिटिव पार्ट को देखते हैं। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, जैसे कि भगवान। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है कार्निवोरस, वो होता है मीट मछली खाने वाले, जैसे कि लायन शेर। वो घास तो खाता नहीं है, मगर इंसान साग से मछली साग वाग भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है, तो इंसान क्या है? ओमनीवोरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस एंड अटैक पॉपुलर बिलीफ। इसके लिए वर्ड यूज करता है आइकोनोक्लास्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा, आइकोनोक्लास्ट हम वर्ड यूज करते हैं। शायद आपको एक आधा वर्ड इसमें ना आता हो, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड दे रखा है इमेजिस्ट। इमेजिस्ट एक तरह का पोएट है जो कुछ सोच सोच के कुछ पोएम्स बनाते हैं ना, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इमेजिस्ट। मतलब जो स्पेशल चीज़ें सोचते हैं, जैसे एलिस इन वंडरलैंड भी किसी ने लिखा होगा ना, तो उसने कुछ नई नई चीज़ें सोची होंगी कि एलिस पहले मतलब थोड़ा सा अलग टाइप है उनका सोचने का, लिखने का। उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इमेजिस्ट। मिज़ैंथ्रोपिस्ट मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। मीसोजिस्ट होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुश होता हो, मतलब दूसरों को पेन दे के उसे खुशी मिलती हो, वो होता है मिसोजिस्ट या मिसोकिस्ट, जो भी आप लोग बोलना चाहें। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सैक्रिलेज। किसी पवित्र और अच्छी चीज़ के बारे में गंदा बोलना या गंदा उसकी इंसल्ट करना, उस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सैक्रिलेज। पॉल्यूशन आपको पता ही होगा, पिल्फरेज मतलब होता है चुराना, छोटी छोटी मात्रा में चुराना। और जो हमारा जो लास्ट वर्ड है पिटेंस, पिटेंस होता है भत्ता, जो मजदूरी किसी काम करने वाले को मिलती है, थोड़ी सी थोड़ी बहुत मजदूरी, उसके लिए बोलते हैं पिटेंस। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ए प्लेस वेयर नन लिव एंड वर्क। फ्रेंड इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्वेंट। जहाँ पे नन्स रहती हैं उसको हम कॉन्वेंट बोलते हैं। चर्च एडोब होता है घर, स्कूल आपको पता ही है, चर्च सब आप लोग जानते ही हैं। अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। ओके, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। फ्रेंड इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्रोफाइल। बायोग्राफी होता है खुद के बारे में लिखना, मतलब किसी की लाइफ के बारे में लिखना। इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं, स्केच आपको पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मगर फ्रेंड आप इस वीडियो का, मैं आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहूँगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम चाहें तो इस वाले पार्ट को, मतलब जो मैं ये वोकैबुलरी वाला पार्ट कर रहा हूँ, इसकी वीडियो को हम बड़ा भी कर सकते हैं, जिसमें मैं एक साथ 100 या 150 क्वेश्चंस को लूँ। जैसे अभी हम मुश्किल से 30 या 32 वो क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं इसके वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊं या ये ऐसा ही रखूं, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग मुझे बताइएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप लोग चाहें कि इस वीडियो को मैं बड़ा बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों के सजेशन क्या होंगे, सजेशंस। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके फेसबुक पे और जो भी आप लोग फर्जीवाड़ा टाइम बर्बाद करते हैं व्हाट्सएप में, अपने ग्रुप्स में, वहाँ पे शेयर करें, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, इन्जॉय करिए। बाय।